पुलिस को और फायर ब्रिगेड को कॉल करा। जैसे ही जब तक वो आए तब तक ही आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी, चारों तरफ आग लग गई एकदम ही। 80% हमने कंट्रोल करवा दिया है इनके जरिए, अभी तक कोई जान और माल मतलब माल की नुकसान के बारे में कुछ पता नहीं चला। फरीदाबाद के सेक्टर 10-11 डिवाइडिंग रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जिस समय समर ग्रैंड मैरिज हॉल में अचानक आग लग गई। आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ पर किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ और पुलिस विभाग अग्निशमन विभाग ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो आग आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। सीमा भारद्वाज, यहाँ हम यहाँ से निकल के जा रहे थे, देखा यहाँ बिल्कुल कॉर्नर जो समर ग्रैंड का बिल्कुल कॉर्नर है, जो किचन है, किचन की तरफ एकदम आग लगी। हमने फटाफट इमीडिएटली पुलिस को और फायर ब्रिगेड को कॉल करा। जैसे ही जब तक वो आए तब तक ही आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी, चारों तरफ आग लग गई एकदम ही, और 7 से 8 गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं अब तक तो फायर ब्रिगेड की, और आग पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन पीछे भी कह रहे हैं कि कंपनी में पीछे की तरफ भी आग की लपटें अभी हैं और अंदर अभी भी आग का जो सिलसिला है वो जारी है, आग अभी भी है अंदर, पर फिर भी जो ये जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो काफ़ी हद तक आग पे काबू पा चुके हैं। अगर पुलिस की माने तो फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं और लगभग 80% आग पर काबू पा लिया गया। यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए किचन में रखे सभी सिलेंडरों को किचन से बाहर निकालकर अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई, नहीं तो यहां पर सिलेंडरों से ब्लास्ट भी हो सकता था। यहां से किसी व्यक्ति ने डायल 112 पे सूचना दी, तो उस सूचना के आधार पे हमें भी सूचना मिली, हम यहाँ पे आए हैं, देखे हैं, हमने आसपास जितने भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी वो बुलवा दी हैं, और अभी लगभग 80% हमने कंट्रोल करवा दिया है इनके ज़रिए, अभी तक कोई जान और माल मतलब माल की नुकसान के बारे में कुछ पता नहीं चला है। एक गाड़ी के अंदर जो आधी भरी हुई थी वो अभी पता चला कि वो आधी भरी हुई थी, वो तुरंत भर रही थी, उसी समय जैसे पता चला वो आधी को ही लेके आ गया। अभी कोई पता नहीं चला है अभी किस वजह से आग लगी है, जैसे आग बुझ जाएगी उसके बाद में कोशिश करेंगे पता कर। 6 गाड़ियां आ चुकी हैं, 10 गाड़ियां और बुला रखी हैं हमने, फायर ब्रिगेड के जरिए ही कर रहे हैं कोशिश। 80% हम हो चुका है। बताया जा रहा है कि आग मैरिज हॉल की किचन के पास से लगनी शुरू हुई और धीरे धीरे ये आग पूरे हॉल के अंदर फैल गई। देखते ही देखते आग ने पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लिया और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों को और दुकानदारों को भी वहां से हटाना पड़ा। हालांकि अभी तक आग लगने के असली कारणों का खुलासा नहीं हो सका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि आग पर कब तक काबू पाया जाता है और आग से कितना नुकसान हुआ है। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।